हे hey, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में कोयला खनन प्रक्रिया की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में वो कौन से इंडस्ट्रियां हैं जो सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करती हैं? और भारत सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है भारत को? क्या आप ये रीजन जानते हैं? क्या आप जानते हैं भारत में जो कोल माइनिंग का नेशनलाइजेशन था वो कब किया गया था? और क्या आप जानते हैं जो भारत के अंदर कोयला भंडार है वो आने वाले समय तक, कितने समय तक भारत के कोयला आपूर्ति को पूरा कर सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत में कोल माइनिंग की हिस्ट्री को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो में जितना भी स्टैटिस्टिक और डाटा लिया गया है, आपको ये सारे डाटे की ऑथेंटिसिटी आपको जो है भारत सरकार की ऑफिशियल साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। तो जितना भी डाटा इसमें यूज किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल से लिया गया है, तो यहाँ पे जितना भी डाटा यूज किया गया उसकी ऑथेंटिसिटी जो है गारंटेड है। आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत में कोयला खनन प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? तो यदि आप थोड़ा सा हिस्ट्री कंगालोगे तो आपको साल मिलेगा वर्ष 1774 का। 1774 के दौर को आप जानते हैं, उस समय भारत में किसका दौर था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था। तो उसी के दो बंदे थे, पहले बंदे का नाम था जॉन समर और दूसरे का नाम था स्वेटनेस ग्रांट हेटली। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे थे। इन्होंने ही जो है पहली बार कोयला खनन प्रक्रिया की शुरुआत भारत में की थी। कौन सी जगह की थी वो भी आप नोट कर ली थी, वो है आपकी रानीगंज कोल्ड फील्ड। रानीगंज कोल्ड फील्ड जो पड़ता है आपका दामोदर नदी के किनारे पर। तो 1774 में भारत में कोयला खनन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ठीक है, तो कुछ दशकों बाद यानी कि समय आ जाता है हमारा वर्ष 1853 का। क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी इंडस्ट्री भारत में डेवलप नहीं थी जिसमें कोयले का यूज होता हो, तो इसलिए भारत में जो कोयला प्रोडक्शन का काम था वो बहुत धीमा था 1853 तक। लेकिन 1853 में आप जानते हैं भारत में स्टीम लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। भारत में इंट्रोडक्शन होता है स्टीम लोकोमोटिव का, भाप से चलने वाले इंजन का। और आप जानते हैं पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा भाप से चलने वाले जो इंजन होते थे उसमें कोयले का इस्तेमाल होता था। तो इसलिए भारत में जो कोयले की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और जहाँ पे हमारा जो पर ईयर का जो प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर कोयले का वो हो जाता है 1 मिलियन मीट्रिक टन का। ये बात हम कर रहे हैं वर्ष 1853 के समय की। अब इसके बाद आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और साल 1900 तक आते आते भारत में जो कोयला प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है पर ईयर की वो 1 मिलियन से बढ़ के हो जाती है 6.12 मिलियन मीट्रिक टन की। आगे जैसे जैसे समय बीतता है, दो दशकों बाद ये जो डिमांड होती है वो बढ़ती जाती है और भारत की जो कैपेसिटी होती है पर ईयर कैपेसिटी वो बढ़ के 6.1 मिलियन मीट्रिक टन से हो जाती है 18 मिलियन मीट्रिक टन की वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के बाद कुछ दशकों तक जो कोयला प्रोडक्शन की डिमांड होती है वो स्थिर रहती है, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा हैवीली इंडस्ट्री भारत में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती जिसमें कोयला यूज़ किया जाए। तो इसलिए जो प्रोडक्शन होती है वो अगले 1920 के बाद कुछ दशकों तक वो स्थिर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन उसके बाद दौर आता है वर्ल्ड वॉर वन का, जिसमें भारत में आप जानते हैं ब्रिटिश राज था, तो भारत में जो कोयला प्रोडक्शन का काम है बहुत तेज़ी से होने लगता है। और वर्ल्ड वॉर टू आते आते जब वर्ल्ड वॉर टू का अंत होता है तो वर्ष 1946 की हम बात करें तो भारत की जो कुल कैपेसिटी जहाँ पे भारत ने 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर से शुरुआत की थी, वर्ष 1946 तक आते आते भारत की कैपेसिटी पर ईयर प्रोडक्शन की हो जाती है 30 मिलियन मीट्रिक टन की। अब यहाँ पे सारा काम प्रोडक्शन का कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है, ब्रिटिश राज कर रहा था अपने जो है प्रॉफिट के लिए। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा भारत का व्यक्ति नहीं था जो उस समय, उस दौरान, जिस समय की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरान किसी की भी कोल माइंस या कोल फील्ड थी। तो पहले ऐसे व्यक्ति भारत के बने थे जिन्होंने अंग्रेजों की मोनोपोली को खत्म किया था कोल माइनिंग में। इन्होंने अपनी पहली कोल माइनिंग शुरू की थी और इन व्यक्ति का नाम था खोरा रामजी चावड़ा। इनको जो है सेठ खोरा रामजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सबसे पहली माइनिंग अपनी बनाई थी और एकमात्र ऐसे पहले भारतीय थे जिनके खुद की कोल माइन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया था झरिया कोल फील्ड। तो इनका नाम याद आप रख लीजिए, इनका नाम है सेठ खोरा रामजी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। सो जो भारत आजाद हो जाता है, सो भारत में जो है 5 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो जो भारत का पहला 5 ईयर प्लान होता है उसमें जो कोल प्रोडक्शन होता है उसकी कैपेसिटी यानी कि उसको इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जोर दिया जाता है, और भारत इसमें सफल भी होता है। भारत की जो
फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में जो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कोयला प्रोडक्शन पर ईयर की, वो हो जाती है 33 मिलियन मेट्रिक टन की। इसके बाद भारत में कोयला प्रोडक्शन में जो है एफिशिएंसी लाने के लिए, उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट और सिस्टमेटिक सुधार लाने के लिए भारत में वर्ष 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जाता है। आगे आगे जैसे समय बीतता जाता है, लेकिन बाद में जो है कोल माइनिंग से जुड़ी कुछ समस्याएं सरकार के सामने आने लगती हैं। कुछ समय बाद जो है कोल माफिया का जन्म हो जाता है, इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम सामने आती है, प्लस कोल माइन से जुड़ी जितनी लेबर होती हैं उनके शोषण के मामले बहुत जल्दी से जो है सामने आने लग जाते हैं, सरकार के पास बहुत ज़्यादा मामले सामने आने लग जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कोल माइनिंग से जुड़ी होती हैं और भारत सरकार के सामने हर बार आती रहती हैं। तो भारत सरकार ऐसे में क्या निर्णय लेती है, भारत सरकार उस समय जो कोल माइनिंग होती है उनको नेशनलाइजेशन करने का निर्णय लेती है। तो भारत सरकार उसको नेशनलाइजेशन कब करती है, सो भारत सरकार वर्ष 1971 में एक एक्ट लेकर आती है, वो होता है कोकिंग कोल माइंस का, और वर्ष 1972 में एक एक्ट आता है कोकिंग कोल माइन नेशनलाइजेशन का। तो 1 मई 1972 को जो है नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है जो हमारी कोल माइनिंग स्टील कोल माइनिंग इंडस्ट्री होती है उनका। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो है आपका कोकिंग कोल माइन और एक आपका नॉन कोकिंग कोल माइन। कोकिंग कोल माइन, देखिए कोकिंग कोल माइन के अंदर जो कोयला यूज होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज होता है, और कोकिंग कोल माइनिंग का जो कोयला यूज होता है जो है स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इसलिए भारत में जो कोयला पाया जाता है, जो कोकिंग कोल माइनिंग के अंदर जो कोयला चाहिए उसके माइनों पर खरा उतरता नहीं है, क्योंकि भारत में जो कोयला होता है वो थोड़ा सा लो प्रकार का पाया जाता है। तो इसलिए भारत कोकिंग कोल का जो होता है इम्पोर्ट करता है, इसलिए भारत को बाहर से जो कोकिंग कोयला इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो नेशनलाइजेशन कोल माइनिंग का कर दिया जाता है वर्ष 1973 में, जब आता है क्या कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट वर्ष 1973, और जितनी भी प्राइवेट ओन आपकी कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंडर ला दिया जाता है। सिर्फ दो इंडस्ट्रियां इनके इस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर नहीं आती, पहली होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और दूसरी होती है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इन दो प्राइवेट फर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां होती हैं नेशनलाइजेशन के आधार पर उनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंडर ले लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो है कोल माइनिंग के अंदर जो है एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस होते हैं, सुधार होते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है इतनी एक्यूरेसी या मैं कह लूँ इतनी कैपेसिटी जो हम जनरेट नहीं कर पाते कोल माइन इंडस्ट्री के अंदर। सो ऐसे में जो है समय आता है वर्ष 2015 का, जब मोदी सरकार आती है। तो मोदी सरकार एक फैसला लेती है, ठीक है, वो फैसला क्या होता है कि जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है क्यों ना इसके अंदर प्राइवेट फर्म की एंट्री करवाई जाए। इससे क्या होगा, देखिए सरकार अभी क्या कर रही है, सरकार सारी मैनेजमेंट देख रही थी 2015 से पहले, जितनी भी कोल माइनिंग से रिलेटेड काम था, चाहे प्रोडक्शन है चाहे उसके मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो सारा काम सरकार को करना पड़ता था। तो ऐसे में मेंटेनेंस कोस्ट, बहुत सारी कोस्ट है जो सरकार को इनक्योर होती थी, इसलिए सरकार उसको कम करना चाहती थी। इसलिए सरकार चाहती थी कि जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री उसके अंदर प्राइवेट फर्म आए। तो ये डिसीजन लिया गया वर्ष 2015 में, मार्च 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और एक एक्ट लाया जाता है, और उस एक्ट के तहत 8 जनवरी 2018 को क्या होता है कि जो कोकिंग कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में आया था और कोकिंग कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 में आया था, उनको रद्द कर दिया जाता है। सो इनके रद्द करने के बाद क्या होता है, देखिए वर्ष 1973 में जो नेशनलाइजेशन किया गया था कोल माइनिंग का, उसमें एक कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी वर्ष 1973 से लेकर, और वो कौन सी थी, कोल इंडिया कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस प्राइवेट फर्म के आ जाने के बाद कोल इंडिया की जो मोनोपोली थी माइनिंग के अंदर वो खत्म हो जाती है, और 20 फरवरी 2018 से गवर्नमेंट जो है परमिटिव कर देती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट फर्म को, कि आप जो है कमर्शियल कोल माइन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे की जाती है, ये प्रक्रिया सरकार के द्वारा टेंडर प्रणाली से की जाती है। कोई भी प्राइवेट फर्म, ठीक है, टेंडर प्रक्रिया के जरिए जो है कोल माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रख सकता है। टेंडर प्रक्रिया में क्या किया जाता है, पर टन का प्राइस जो है सरकार बिड करने के लिए प्राइवेट फर्म को कहती है। तो जो भी प्राइवेट फर्म पर टन का प्राइस सबसे ज्यादा बिड करता है उसको ही जो है वो माइनिंग जो है साइट उसको प्रदान कर दी जाती है कुछ समय के लिए, जितना उस टेंडर में पीरियड बताया गया होता है। सो ऐसे में जो है नेशनलाइजेशन किया गया था कोल माइनिंग का, उसको रिपेल कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया है 8 जनवरी 2018 से। अब हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों की जो आपको पता होने चाहिए कोल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सो भारत की बात करें तो भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, कोयला रिजर्व है, और ये कोयला रिजर्व मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि कोल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है,
जो कि पाया गया है, यानी कि जो खोज लिया गया है, ठीक है, और जो खदानें अभी तक नहीं खोजी गई हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं। सो भारत की कोल मंत्रालय के द्वारा यदि हम बात करें तो 31 मार्च 2018 तक भारत में जो कुल कोयला भंडार है वो है 319.04 बिलियन मेट्रिक टन का। और भारत के यदि हम आज के दौरान इस समय के यदि हम कैपेसिटी की बात करें, सो वर्ष 2018 के रिसेंट डाटा की बात करें, सो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो भारत की है कोल की, वो अब देखिए किसी समय में 1 मिलियन मेट्रिक टन हुआ करती थी, आज के समय में वो कैपेसिटी है 675, लगभग 676 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। और ये आंकड़ा है आपका 2017-18, ठीक है। तो यदि भारत इसी कैपेसिटी से चलता है, सो भारत में जो जितना कोयला रिजर्व अभी तक बचा हुआ है, तो इसके यदि हम कैलकुलेशन करें तो आने वाले 105 से 110 साल तक जो है हमारे पास कोयला पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास जितना भंडार है इस कैपेसिटी, इसी प्रोडक्शन कैपेसिटी से यदि हम चलते हैं, तो अगले 105 से 110 साल तक हमारे देश की जितनी भी कोयला आपूर्ति है उसकी मांग को हम पूरा कर सकते हैं। सीधा सीधा मैं यूं कहूँ तो कोयला भंडार आपका 105 से 110 साल तक आगे तक चल सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की जो आपको पता होना चाहिए। अब भारत में प्राइमरी तौर पे कोयला कहाँ पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला भारत का मिलता है। सो यहाँ पे कुछ रीजन्स और क्षेत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है भारत का ईस्टर्न रीजन और दूसरा है साउथ सेंट्रल इंडिया। और ईस्टर्न रीजन में स्टेट जो आते हैं और साउथ सेंट्रल रीजन में जो स्टेट आते हैं वहाँ पे भारत का 98.26% कुल कोयला भंडार है, यानी कि जितनी भी माइनिंग है सबसे ज्यादा माइनिंग की जो आपको जो है कंपनियां मिलेंगी वो इन्हीं क्षेत्र में मिलेंगी। अब इसमें कुछ स्टेट हैं इम्पोर्टेंट, वो आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। 31 मार्च 2018 तक के आंकड़ों की बात यदि हम करें तो कुल झारखंड में कुल डिपॉजिट जो कोल है उसका जो 26% हिस्सा कुल झारखंड में है। इसके बाद यदि हम बात करें उड़ीसा की तो केले उड़ीसा में कुल जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का 24 लगभग 25% हिस्सा अकेले ओडिशा। तो एक तरीके से झारखंड और जो ओडिशा है वो प्राइमरी हब कह सकते हो आप उसको कोल इंडस्ट्री का। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बात करें पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद भारत का नंबर आता है, यानी कि भारत कोल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की बात करते हैं जैसे कि इंडस्ट्री। भारत में जो इंडस्ट्री है कौन कौन सी इंडस्ट्री है भारत में जो मैक्सिमम कोयले का यूज करती है। तो पहले नंबर पे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है हमारी, वो तो आप जानते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब देखिए भारत में तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसकी शुरुआत अभी कुछ दशकों से ही हुई है, तो इससे पहले जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं थे उससे पहले तो हमारे क्या चल रहे हैं, कोल पावर प्लांट चल रहे हैं, यानी कि कोयले का यूज करके जो है हम बिजली पैदा करते हैं। तो ऐसे में जो भारत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जनरेशन करने जनरेट करने वाली कंपनियां हैं उसमें कोयले का यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा वहीं पे यूज़ किया जाता है। सो कुल प्रोडक्शन का 5576 यानी कि लगभग 577 मिलियन मीट्रिक टन 576 मीट्रिक टन कोयले का यूज़ हर साल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, कंपनियों में किया जाता है। इसके बाद आता है स्टील और वाशरी इंडस्ट्री, इनके अंदर कुल 58 लगभग आप कह लीजिए 59 मीट्रिक टन कोयले का यूज़ किया जाता है हर साल। फिर इसके बाद आता है हमारा स्पॉन्जी आयरन इंडस्ट्री, स्पॉन्जी आयरन इंडस्ट्री में 8.5 मीट्रिक टन और उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री में आपका लगभग 8 मीट्रिक टन कोयले का हर साल यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख भारत की इंडस्ट्री हैं जहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्ट की, भारत कोयला इम्पोर्ट क्यों करता है। देखिए मैं आपको बता रहा था भारत में जो कोकिंग कोयला है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, प्लस साथ के साथ जो एक तरीके से कह लीजिए अच्छे प्रकार का कोकिंग कोयला होता है, भारत में जितना कोयला पाया जाता है वो भारत में यूज होने वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसे में भारत को बाहर से कोयला मंगवाना ही पड़ता है। पहले भारत वर्ष 2007-08 में जो कोयला मंगवाता था, ठीक है, वो था 49 लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन कोयला भारत इम्पोर्ट करता था, लेकिन एक दशक बाद समय यानी कि 2017-18 के डाटा की बात करें तो भारत ने कुल 209 मिलियन मेट्रिक टन कोयला जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये डाटा है आपको उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, भारत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोल मंत्रालय की, ठीक है, इंपोर्ट का डाटा है मार्च 2020 तक का।
सो यहाँ पे 2018-19 का जो प्रोविजनल यहाँ पे आपको डाटा इंपोर्ट का दिखा रखा है, कोकिंग ऑयल का जो इंपोर्ट था वो था 51 लगभग 52 मिलियन मीट्रिक टन का, नॉन कोकिंग ऑयल का यहाँ पे 183, और टोटल की हम बात करें तो आपको 236 आप मैं कहूँगा मिलियन मीट्रिक टन का प्रोविजनल यहाँ पे आंकड़ा आपको दिखा रखा है, और 19-20 के लिए प्रोविजनल डाटा भी यहाँ पे आपको साथ के साथ दिया गया है। तो उसके अलावा और भी यदि आप पर ईयर स्टेटिस्टिक पर डेकेड स्टेटिस्टिक देखना चाहते हैं तो आप कोल मंत्रालय की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको इंटरेस्टिंग बातें कोल इंडस्ट्री के बारे में जाननी है और वो भी आप जो है कोल मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो भारत में कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइन है और कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे ये कोल माइन पड़ती हैं। आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी किसी भी एग्जाम में यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाएं। सबसे पहले तो आपको एक कोल फील्ड जरूर याद होनी चाहिए, वो है आपकी रानीगंज। रानीगंज जो है भारत की सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। रानीगंज कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में आपकी ये माइन पड़ती है, कोल फील्ड पड़ती है। उसके बाद झारखंड में है, झारखंड में है सबसे बड़ी कोल फील्ड, कोल माइनिंग कहाँ पे है? कोल माइन सबसे बड़ी झारिया में है। झारिया कहाँ पे पड़ता है? झारखंड के अंदर। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है बोकारो है, धनबाद है, रामगढ़ है, दल्तोनगंज है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कोल फील्ड हैं जो आपकी झारखंड में पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है सतपुड़ा कोल फील्ड, ठीक है। इसके बाद सिंगरौली, उमारिया। उसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में है रामपुर कोल फील्ड, इम्पोर्टेंट है। हिमगिरी, इसके अलावा तालचेर, ये भी उड़ीसा में पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट है सिंगरेनी, ठीक है। इसके बाद है आपका कंटापली, सिंगरेनी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की है। मैक्सिमम जितना साउथ इंडिया में कोयला यूज होता है वो सबसे ज़्यादा कोयला सप्लाई कौन करता है? सिंगरेनी कोल फील्ड ही करती है आंध्र प्रदेश की। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे कि हो गया आपका झिलमिल। उसके बाद हम बात करते हैं बिसरामपुर। इसके अलावा और जो है कोरबा हो गया, हसडो अरंद हो गया, ये भी छत्तीसगढ़ के कोल फील्ड है इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम असम में चलते हैं, असम में आपको मिलेगा जयपुर झांझी। इसके अलावा और कौन से हैं? मकूम और नजीरा भी असम के ही कोल फील्ड है। इसके बाद हम मेघालय की तरफ चलते हैं, मेघालय में आपको देखने को मिलेगा चेरापूंजी, मालोंग। इसके बाद आपको मिलेगा दरंगगिरी, उर्मालोंग और लैंगरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं मेघालय के। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है, वो आपका नामचिक नामफुक आपका कोल फील्ड कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सो आई होप कोल इंडस्ट्री से जुड़े आप इस स्टैटिस्टिक और इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा और भी कोई यदि आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा, हम उसके आंसर आपको देंगे। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टॉपिक सुझा सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।